Now come on the next page, page number 13. Which book you will refer to get the following information about a subject? Agar kisi subject ke bare mein hame information chahiye to aap kaun si book refer karenge? That is textbook. Theek hai, kisi subject se related information ke liye we refer textbook. Theek hai, textbook mein क्या मिलेगी आपको? उस सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैथ्स की टेक्स्ट बुक से मैथ्स की, इंग्लिश की इंग्लिश की इन्फॉर्मेशन. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज प्रोनंसिएशन ऑफ अ वर्ड. प्रोनंसिएशन ऑफ अ वर्ड, किसी वर्ड की प्रोनंसिएशन या हिंदी कहाँ से मिलेगी हमें? डिक्शनरी में से. ठीक है, डिक्शनरी में आपको वर्ड की हिंदी मीनिंग के साथ साथ आपको प्रोनंसिएशन, उस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है वो भी पता चलता है. नाउ नेक्स्ट, पोजीशन और लोकेशन ऑफ अ कंट्री, किसी कंट्री की पोजीशन या लोकेशन कहाँ से पता लगेगी? एटलस से, एटलस इस बुक से. नाउ फैक्ट्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट, हियर इज एनसाइक्लोपीडिया से मिलेंगे हमें डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में फैक्ट्स, एनसाइक्लोपीडिया. नाउ नेक्स्ट, डिटेल्स अबाउट समवनस लाइफ, किसी की लाइफ के बारे में अगर हमें डिटेल्स पता करनी हो डैट इज बायोग्राफी. देखिए हेयर इज द बुक ऑन द लाइफ ऑफ सचिन तेंदुलकर. ठीक है, सो बायोग्राफी, बायोग्राफी क्या होती है? जो जो किसी और की लाइफ पे लिखी जाती है. ठीक है, बायोग्राफी, यहाँ पे किसी ने सचिन तेंदुलकर की लाइफ पे बुक लिखी है, दैट इज बायोग्राफी. ओके स्टूडेंट्स.